यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बात करें अगर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स की गाइज, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुकी हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं जिन्हें हम आप भाषा में हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की उन वर्ड्स की जो एक सेंटेंस में एक्शन बताते हैं उनकी मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं? टाइम बताने में, उस एक्शन का स्टेट बताने में, या फिर उस एक्शन का बिहेवियर बताने में, राइट? मैंने बताए थे ये दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, द फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज़ मोडल वर्ब्स, राइट? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स गाइस मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडल वर्ब्स में मैंने आपको बताया था जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब क्या है? ये है मोडल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स क्या बताते हैं एक सेंटेंस का? टाइम एंड स्टेट। किसका? मेन वर्ब का। मोडल वर्ब्स क्या बताते हैं? उस मेन वर्ब का बिहेवियर, कि आप कोई एक्शन कर रहे हो, उस एक्शन का बिहेवियर क्या है, क्या सोचकर किस सेंस में आप वो एक्शन कर रहे हो, वो हमेशा क्या एक्सप्रेस करते हैं? करते हैं मोडल वर्ब्स। तो चलिए अभी प्राइमरी वर्ब्स की गाइस मैं आपको बता दूं पॉइंट कि प्राइमरी वर्ब्स का यूजेस जो है वो मैं आप लोगों को टेंसेस में बताऊंगी। टेंसेस में हम लोग देखेंगे इज, एम, आर का यूज़ कहाँ होता है, डू, डज, डिड का यूज़ कहाँ होता है, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इन सभी प्राइमरी वर्ब्स का हम यूज़ कब करते हैं टेंसेस में बताऊंगी, क्योंकि टेंसेस टाइम रिलेटेड सेंटेंसेस की बात करते हैं, इसलिए हम इनका यूज़ टेंसेस में करेंगे। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोडल ऑक्सिलरीज। मोडल ऑक्सिलरीज जैसे कि मैंने बताया क्या बताते हैं? बिहेवियर। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस करेंगे बिटवीन मे एंड माइट। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। अक्सर आप बात करते वक्त मे या फिर माइट का यूज़ करते हैं, राइट? कब यूज़ करते हैं मे का, कब यूज़ करते हैं माइट का? तो सबसे पहले यूज़ की अगर मैं बात करूँ मे या माइट के, तो वो है परमिशन के लिए, आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा देने के लिए। परमिशन देते वक्त हम लोग किसका यूज़ करते हैं? मे और माइट का। अब दोनों का ही यूज़ अगर परमिशन के लिए होता है तो डिफरेंस क्या है? मे का यूज़ गाइस किया जाता है जब भी आप परमिशन सीक करते हो, यानी परमिशन मांगते हो। माइट की बात करूँ तो माइट का यूज़ किया जाता है जब भी परमिशन ग्रांट की जाती है। आप लोग अगर याद करें, अगर आप लोगों को याद हो तो अक्सर स्कूल में आप लोग जब भी टीचर से परमिशन मांगते थे किसी कुछ भी चीज़ करने के लिए, क्लासरूम में एंटर करने के लिए, क्लासरूम से बाहर जाने के लिए, घर जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने टीचर से या अपने एल्डर से परमिशन मांगते थे, तो आप कैसे मांगते थे? मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसा ही बोलते थे, यही वर्ड यूज़ करते थे मे परमिशन मांगने के लिए। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं मे का। लेकिन अगर मैं बात करूँ जब अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं, उस वक्त तो आप मे का यूज़ नहीं करते। आप तो नहीं बोलते ममा को, ममा मे आई गो टू माय फ्रेंड्स हाउस, कभी बोलते हो? नहीं। तो डिफरेंस क्या है घर पे परमिशन मांगने के लिए और किसी ऑफिशियल प्रोफेशनल एरिया में परमिशन मांगने के लिए? ये है कि मे का यूज़ जो है वो एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में किया जाता है परमिशन मांगने के लिए। जब आप किसी फॉर्मल इन्वायरमेंट में हैं, प्रोफेशनल एरिया में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज हैं, जब भी आप अपने सीनियर से, अपने एल्डर्स से, अपने से जो बड़े हैं आपसे, उनसे परमिशन मांगते हैं, तो आप मे का यूज़ करते हैं, ठीक है? और अगर आप घर पे मांग रहे हैं इनफॉर्मल वे में, तो तब आप किसका यूज़ करते हैं? कैन का। कैन आई गो, अपने ब्रदर को बोलेंगे, सिस्टर को बोलेंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे, या फिर फ्रेंड्स को बोलेंगे, तब आप यूज़ करते हो कैन का, ना कि मे का, बिकॉज वो परमिशन लेने के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल मोडल है, ठीक है? अब बात करें माइट की, तो माइट मैंने बोला परमिशन ग्रांट करने के लिए यूज़ होता है। कभी आपको किसी से परमिशन मांगनी है तो कभी ऐसा बोला माइट आई कम इन? नहीं बोला ना। तो परमिशन ग्रांट करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइट का। जैसे मैं बोलूँ May I go out? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? किसी से परमिशन मांगा, अब जब वो अलाउ करेगा, परमिशन ग्रांट करेगा, तो किस इस तरह से बोलेगा? Yes, you might, right? तो उस वे में हम लोग यूज़ करते हैं माइट का परमिशन ग्रांट करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है मे एंड माइट के बीच में। सेकेंड डिफरेंस है पॉसिबिलिटी, यानी कि
किसी भी चीज़ के होने की संभावना. सेकेंड यूज इज पॉसिबिलिटी. सेम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, किसी भी चीज़ के होने की संभावना. अब यहाँ पर भी मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो रहे हैं. तो क्या डिफरेंस होगा जब पॉसिबिलिटी हम मे को यूज़ करके बताएंगे या फिर हम पॉसिबिलिटी माइट को यूज़ करके बताएंगे? तो चलिए देखते हैं गाइस. मे जो है ना, मे ऐसी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है जिस पॉसिबिलिटी के लिए कोई कंडीशन होना ज़रूरी है. पॉसिबिलिटी माइट के केस में चेक करें तो यहाँ पर कोई कंडीशन वेरीफाई होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है. यानी कि जैसे मैं कुछ ऐसा सेंटेंस बोलूँ, अगर उसे टाइम मिलेगा तो वो तुम्हें कॉल कर लेगी. अब वो तुम्हें कॉल कब कर सकती है? जब उसे टाइम मिलेगा तो. अगर उसे टाइम मिलेगा वो तुम्हें कॉल कर सकती है, कुछ ऐसा ही संभावना है किसी के भी तुम्हें कॉल करने की. लेकिन कब? जब उसे टाइम मिलेगा, कंडीशन आ गई. उस वक्त आप क्या यूज़ करेंगे? मे का यूज़. जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, She may call you if she gets time. Right? अब यहाँ पर may क्या बताता है कि इस action के होने की possibility है अगर उसे time मिलता है तो. अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि condition की ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, She may come today. वो आज आ सकती है. अब आएगी किसी कंडीशन के बेसिस पर आएगी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है. शी मे नहीं, शी माइट. माइट का यूज़ कब करते हैं? जब कोई कंडीशन हमारे पास नहीं होती है. फाइन, एक लास्ट यूज़ जो सिर्फ रिलेटेड है मे से. आप लोगों ने कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जो आपकी विश, डिज़ायर, कभी आप किसी को ब्लेस कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, किसी को कर्स कर रहे हो, उस वक्त यूज़ करते हो. जैसे तुम्हें मैं एक ब्लेसिंग दूँ, मे गॉड ब्लेस यू बोला जाता है. मे यू लिव लॉन्ग बोला जाता है. मे यू सक्सीड इन लाइफ. तो जब भी हम विश करते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, तो हम हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट करते हैं? मे से. वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि आप उसके लिए कुछ मांग रहे हैं. ठीक है, तो मे के और माइट के ये मेजर यूजेस हैं. अब नेक्स्ट मॉड्यूल वो करेंगे जिसमें हम यूजेस करेंगे कैन एंड कुड का. कैन का एक यूज़ तो मैंने गाइस आप लोगों को बता दिया कि कैन का यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं, परमिशन का यूज़ हम मे के लिए भी करते हैं, लेकिन वो फॉर्मल है. और कैन का यूज़ कब किया जाता है परमिशन के लिए? जब भी हम एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में परमिशन मांग रहे हैं, जैसे अपने घर पर, अपने फ्रेंड से, अपने कज़न से, ब्रदर से, इन सब से. ठीक है, चलिए देखते हैं. Can and the fourth one is could. Can को कहाँ use करते हैं? Permission के लिए, permission मांगने के लिए. ठीक है, कहाँ पर? एक informal environment में. Permission seek या grant दोनों ही करने के लिए करते हैं, लेकिन कहाँ पर? Informal environment में. जैसे मैं बात करूँ, Can I go to My friend's house. क्या मैं अपने friend के घर पर जा सकता हूँ? कब use करेंगे? जब आप एक informal environment में permission ले रहे हैं. अब जब grant कर दी गई आपकी permission, जो भी आपने request किया उसे grant कर दिया गया, तो तब क्या होगा? Yes, you can. यानी permission seek करने की बात करो या grant करने की बात करो, आप can का use कर सकते हो. बात करूँ मैं could की, तो जैसे कि हम वो पता है guys कि can का past form जो है वो क्या है? Could. Could, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. अच्छा, जब हम modal verbs की बात करते हैं तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं ये प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है तो ये पास्ट में यूज़ होगा. नो, modal verbs सिर्फ एक्शन का बिहेवियर बताते हैं. टाइम या टेंस बताने के लिए जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये बिहेव करेंगे मेन वर्ब की तरह. ठीक है, वो आगे हम लोग जब टेंसेस करेंगे तो मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगी कि क्या है मेन वर्ब या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है. अब कुड के यूज़ की बात करें तो कुड क्या बताता है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट.
अब पोलाइट रिक्वेस्ट से मेरे कहने का मतलब है कि आप कभी भी किसी से कोई फेवर मांगते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुड का यूज़ करना सही है। कुड का यूज़ करना सही क्यों है? क्योंकि कुड जो है वो आपके एक्सप्रेशन को एक पोलाइट सेंस में लेकर आता है, यानी कि वो आपके एक्सप्रेशन में ऑटोमेटिकली पोलाइटनेस ऐड कर लेता है, इसीलिए एक पोलाइट एक्सप्रेशन भी इसे कहा जाता है। अगर आप किसी को बोलोगे कुड यू हेल्प मी, आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कैन यू हेल्प मी, है ना, क्या तुम मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी तो बोल सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, कैन जो है वो एक इनफॉर्मल मोडल वर्ब है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने एक्सप्रेशन में पोलाइटनेस ऐड करना चाहते हो, रिगार्ड्स ऐड करना चाहते हो, तो बेटर एक्सप्रेशन क्या रहेगा? कुड। कुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जब एक पोलाइट वे में आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं। बात करते हैं सेकेंड यूज़ की, कैन और कुड एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी भी। कैन एंड कुड एक्सप्रेस करते हैं आपके एक्शन की या एक सब्जेक्ट की एबिलिटी। एबिलिटी से मेरा मतलब है क्षमता, कि आपकी कितनी क्षमता है। जब मैं तुम्हें बोलूं कि यस तुम पीओ एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, दैट मींस मैं आपकी क्षमता की, आपकी एबिलिटी की बात कर रही हूं, कि आप इतने कैपेबल हो कि आप कर सकते हो, राइट? तो वो आप किससे एक्सप्रेस करोगे? कैन को यूज़ करके। यू कैन क्रैक बैंक पीओ एग्ज़ाम, आप कर सकते हो। जब बात आती है सकता है, सकते हो, कुछ ऐसे वाली, तो उस वक्त क्या यूज़ करते हैं? ये सकता है, सकते हो, सकती है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी। बात करूँ कुड की एबिलिटी की, कुड को एबिलिटी के लिए आप कब यूज़ करते हो? तो गाइस कुड को एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है आपकी पास्ट एबिलिटीज़ के लिए, यानी कि जब आप पुराने समय की बात करते हो, जैसे कि आप बोलो बचपन में मैं क्रिकेट खेल सकता था, बचपन में मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था, उस वक्त आपकी वो क्या थी? पास्ट की एबिलिटी। अभी वो एबिलिटी आप में नहीं है, आप अपनी पास्ट की एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हो, उस वक्त आप क्या यूज़ करते हो? कुड। जैसे मैं ऐसा कुछ लिखूं, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 5 kilometers इन एन आवर। जब मैं यंग था, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 5 kilometers इन एन आवर, मैं 5 kilometers एक घंटे में ही दौड़ सकता था। तो ये क्या थी? कुड लगाने से क्या एक्सप्रेशन बन गया? कुड लगाने से इस सेंटेंस का मीनिंग बन गया कि ये पास्ट की एबिलिटी बताता है। और यहाँ पर मैंने कैन का यूज़ किया है, तो कैन लगाने से एक्सप्रेशन क्या रहा? कि प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोडल वर्ब्स हैं डिफरेंस अमंग मस्ट, शुड एंड ought to, must, should and ought to। गाइस अगर मैं तीनों की ही बात करूँ तो मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि ये तीनों ही एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेस करते हैं? चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा करो, करना चाहिए तुम्हें, ऐसा होना चाहिए, मतलब बेसिकली इसके लिए हम एक्सप्रेस करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, मस्ट को यूज़ कैसे करते हैं चाहिए के लिए, एंड में हम बोलते हैं ना चाहिए है, वो क्या है? मस्ट, शुड, ऑट टू। लेकिन डिफरेंस क्या है? मस्ट को हम लोग हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं? नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी यानी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कंपल्शन है, जिसका होना ज़रूरी है, होनी ही होनी चाहिए, उसके लिए हम एक्सप्रेस करते हैं किसके साथ? मस्ट के साथ। अब शुड जो है गाइस, शुड बात करता है जब आपको कुछ करना चाहिए, यानी कि जब मैं आपको कुछ एडवाइस दे रही हूँ, कुछ सजेस्ट आपको कर रही हूँ कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, मैं तुमको क्या कर रही हूँ? एडवाइस कर रही हूँ। तो उस वक्त जब हम चाहिए का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शुड का। नेक्स्ट बात करूँ ऑट टू की, तो ऑट टू जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? ड्यूटीज़ के लिए। अब ड्यूटीज़ ऐसी नहीं कि स्कूल में यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, वो वाली ड्यूटी नहीं, वो ड्यूटीज़ जो एक्चुअली सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये एडवाइस कर सकती हूँ कि तुम्हें अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, मैं आपको बोल सकती हूँ यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एडवाइस किया जा सकता है। क्या मैं तुम्हें ये बोल सकती हूँ कि भाई तुम्हें अपने नेबर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? बोल सकती हूँ नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग तुम्हारे ऊपर है, या वो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम करो या ना करो, मैं तुमको वो चीज़ एडवाइस नहीं कर सकती, ना ही वो तुम्हारा कोई मोरल वैल्यू है, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑट टू का यूज़, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑट टू का।
कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मस्ट की जैसे मैंने बात की, मैं कुछ ऐसा लिखूं, यू मस्ट नॉट स्मोक इन हॉस्पिटल। अब सबसे पहले तो ये बताइए, क्या हॉस्पिटल में स्मोकिंग अलाउड है? नहीं अलाउड है, राइट? तो हॉस्पिटल में स्मोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये कंपल्शन है। कंपल्शन एज इन जब भी हम कहीं भी किसी भी जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, यू मस्ट नॉट क्रिएट नॉइज इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। अब क्यों बोलूँगी मैं ऐसा? क्योंकि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है। तो कहीं भी हम लोग रूल्स की, रेगुलेशंस की या किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कंपल्सरी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट। शुड की मैं बात करूँ, यू शुड स्टार्ट योर स्टडी टुडे। तुम्हें अपनी पढ़ाई आज ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि पता है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला चाहिए, तो अभी तो स्टार्ट करनी है पढ़ाई, राइट? तो तुम्हें अपनी पढ़ाई आज ही स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये मेरी तरफ से और पूरी जेके एग्ज़ाम क्रैकर टीम की वजह तरफ से तुम लोगों के लिए एडवाइस है। तो एडवाइस कहाँ एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? शुड के केस में, ठीक है? अब बात करूँ ऑट टू की, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बताया, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेबर्स। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए अगर कन्फ्यूजन है तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भाई हमारी मोरल ड्यूटी है, हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या यूज़ करेंगे, शुड का या फिर ऑट टू का? हम लोग यूज़ करेंगे शुड का, क्योंकि ये बेसिक हमारी मोरल वैल्यू है। ये मैं किसी को सजेस्ट भी कर सकती हूँ। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर कंट्री, यू शुड लव योर कंट्री। कुछ ऐसा यहाँ पर कहा कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेबर्स, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप करो या ना करो। वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑट टू का। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट, शुड, ऑट टू, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट मोडल वर्ब। अब नेक्स्ट मोडल वर्ब है यूज टू एंड डेयर। यूज्ड टू एंड डेयर। यूज़ टू का यूज़ ये कम्प्लीट मोडल वर्ब ही है। यूज़ टू का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब आप अपने पास्ट एक्शंस की बात करते हो। पास्ट में अक्सर जो आप चीज़ें करते थे, या फिर आप कहो कि पास्ट ही रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात करो, कि पास्ट में जो एक्टिविटीज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते थे, मतलब अक्सर करते रहते थे, आमतौर पर करते थे, या फिर कुछ पास्ट की एक्टिविटीज़ आपकी रेगुलर एक्टिविटी, पास्ट हैबिट्स जो आपकी पास्ट में हैबिट्स थी अब नहीं है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? यूज़ टू का। तो यूज़ टू का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? यूज़ टू का यूज़ करते हैं पास्ट एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। पास्ट एक्टिविटीज़, पास्ट हैबिट्स कह सकते हो, कुछ रेगुलर एक्शंस, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज्ड टू का, ठीक है? जैसे मैं कुछ एक्सा कुछ सेंटेंस बताऊँ, व्हेन आई वाज 14 आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है? अब मैं बोलूँ व्हेन आई वाज 14 आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर डेली। जब मैं 14 का था मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता था। अभी नहीं पढ़ते हो, कब पढ़ते थे? जब 14 साल के थे। उस वक्त की एक्टिविटी की बात कर रहे हो, रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स गाइस ये भी बोलेंगे कि मैम सिमिलर सेंटेंस में आपने पहले तो बोला कि कुड आएगा। बिल्कुल आ सकता है कुड, कुड क्यों नहीं आ सकता? लेकिन डिफरेंस ध्यान रखो, कुड क्या बताता है? पास्ट की एबिलिटी, जो आप कर सकते थे। यहाँ पर जो आप करते थे, जो एक्टिविटी थी, वहाँ पर वो आपकी एबिलिटी थी, आपकी क्षमता थी। आप वो एक्शन करते थे या नहीं करते थे ये नहीं पूछा गया। यहाँ पर आप बता रहे हो कि मैं ये चीज़ एक्चुअल में करता था। तो जब करते थे तो यूज़ टू, पास्ट में जो चीज़ कर सकते थे उस वक्त कुड, ठीक है? आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट मोडल वर्ब मैंने आप लोगों को बताया है डेयर। अब आप लोग अक्सर बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो अब ये डेयर मोडल वर्ब जो है ये क्या बताता है? ये एक्सप्रेस करता है करेज, राइट? तो जब आप करेज की बात करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, तुम हिम्मत मत करना यहाँ जाने की, तुम हिम्मत मत करना मेरे रूम में एंटर करने की, बोलते हो अपने ब्रदर को, सिस्टर को, राइट? तो उस वक्त आप लोग क्या यूज़ करते हो? डेयर। जैसे आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम, कुछ इस तरीके से, मैं हिम्मत नहीं करता उसके रूम में एंटर करने की। तो उसको आप क्या यूज़ करते हो उसके लिए? डेयर का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक यहाँ पर गलती करते हैं कि डेयर के बाद क्या लगाते हैं? टू।
बेसिकली मैंने आपको डेयर उन वर्ड्स में भी बताया था जिनके साथ हम लोग प्लेन इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, यानी जिसके बाद हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होता, टू का यूज़ नहीं होता। तो डेयर के साथ गाइस ये एरर आ सकता है, डेयर के आगे कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो वो गलत होगा। अगर वो आपको रीड करने में भी सही लगता है तो भी वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दे दूँ आप लोगों को, आई डेयर नॉट टू एंटर हिज रूम। अब जल्दी से रीड कीजिए, दोनों में से कौन सा सही होने वाला है? ऑब्वियसली दोनों में से फर्स्ट वाला ही सही होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, डेयर इज नेवर फॉलोड बाय टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेवर। डेयर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले ही लगती है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट मुदाल वर्ब्स जिसमें से है शल एंड विल। अब शल एंड विल का यूज़ तो हम लोग अक्सर करते हैं और बहुत सारे लोगों को इनका डिफरेंस पता भी होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है शल और विल का यूज़ हम लोग करते हैं फ्यूचर एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? फ्यूचर में जब भी हम अपने फ्यूचर एक्शंस की बात करते हैं, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, हम करने वाले हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उस वक्त हम यूज़ करते हैं शल एंड विल का। सब ये भी जानते होंगे कि ये फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। तो बेसिक यूजेज इनका क्या है? शल को हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? कोई भी फ्यूचर एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है? विल को हम लोग यूज़ करते हैं विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? अगेन कोई फ्यूचर एक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? अगर किसी को पता नहीं है फर्स्ट पर्सन क्या है तो जल्दी से प्रोनाउन का वीडियो ओपन कीजिए और पहले वो देखिए। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई एंड वी। सेकेंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन ही शी इट दे या फिर कोई भी ना, ठीक है? ये है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जब आप फ्यूचर एक्शन की बात करते हो आप शल को यूज़ करते हो, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आप यूज़ करते हो विल का। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई शल विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ दिल्ली विजिट करूँगा, दिल्ली जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पे आई यूज़ किया है तो फ्यूचर एक्शन बताने के लिए मैं आई के साथ शल का यूज़ करूँगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर यू का यूज़ करती या ही शीट दे कुछ ऐसा यूज़ करती तो उस वक्त मैं क्या यूज़ करती? विल का यूज़ करती, विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है? अब ये तो था बेसिक यूजेज। क्या होगा अगर मैं शल को सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ यूज़ कर दूँ या फिर विल को मैं फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ कर लूँ, तो क्या होगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस का बिहेवियर, सेंटेंस का सेंस में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि मोडल वर्ब्स क्या काम करते हैं? मोडल वर्ब्स काम करते हैं सेंटेंस का बिहेवियर एक्सप्रेस करने में, राइट? तो अगर बात करूँ कि मैं शल को यूज़ करती हूँ गाइज विद सेकेंड पर्सन एंड विद थर्ड पर्सन, तो उस वक्त ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्यूचर एक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर एक्शन की बात तो कर रहा है, लेकिन वो फ्यूचर एक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, थ्रेट, ये सब चीज़ें जो है वो फ्यूचर एक्शन एक्सप्रेस करता है। डिटर्मिनेशन या सर्टेनिटी से मेरा कहने का मतलब है कि फ्यूचर में वो चीज़ पक्का ही होने वाली है, यू आर 100% श्योर कि वो चीज़ होगी। उस वक्त हम यूज़ करते हैं शल को सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। अब आप बोल रहे हो डेली विजिट करोगे नेक्स्ट मंथ, श्योर नहीं हो करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, लेकिन अगर मैं यहाँ बोल दूँ या फिर यहाँ बोल दूँ कि यू शल विजिट डेली नेक्स्ट मंथ, ही शल विजिट डेली नेक्स्ट मंथ, अब ही के साथ जब शल लग गया ना, तो शल लगाने का ही के साथ मतलब क्या होगा कि वो एक्सप्रेशन में डिटर्मिनेशन है, वो डेली पक्का ही जाने वाला है, वो 100% श्योरिटी के साथ अपना फ्यूचर का एक्शन बता रहा है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं विल को यूज़ कर लूँ विथ फर्स्ट पर्सन तो वो भी यही सेम 3 points एक्सप्रेस करता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। अब एग्जाम्पल में मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, यू शल बी पनिश्ड, आई विल बी कॉट, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी,
ठीक है, तुम हमें ज़रूर पनिश होगे, यू मैं पकड़ा जाऊँगा, आई विल बी कॉट। अब जब मैंने आई के साथ विल लगाया तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं डर के मारे सर्टेनिटी के साथ बोल रही हूँ कि मैं पकड़ी जाऊँगी, 100% श्योर हूँ कि पकड़ी जाने वाली हूँ। यहाँ पर यू के साथ जब मैंने शल का यूज़ किया तो सेकेंड पर्सन के साथ शल का यूज़ किया, बताता है कि तुम्हें ज़रूर पनिशमेंट मिलने वाली है, और ज़रूर मिलने वाली है अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की तो। ठीक है, तो यहाँ पर यू के साथ शल का यूज़ किया, बताता है सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन, या फिर थ्रेट करना भी, किसी को धमकी देना भी कि भाई तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो धमकी देने के सेंस में भी हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ शल एंड विल। लास्ट वन, द लास्ट मोडल वर्ब है यूज ऑफ वुड। हम सभी जानते हैं कि विल का पास्ट फॉर्म क्या है, वुड, लेकिन वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मोडल वर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो वुड का यूज़ एज अ मोडल वर्ब हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहला यूज़ अगर मैं वुड का बात करूँ तो वो है जब भी आप किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, या फिर जब भी आप किसी से कोई फेवर मांगते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं या किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, उस वक्त आप यूज़ करते हैं वुड का। जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आए हैं, ठीक है, आप उन्हें बोलेंगे कि क्या आप पानी लेंगे, क्या आप चाय पियेंगे, क्या आप खाना खाएंगे, तो आप कैसे पूछोगे, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। अब आप पार्टी में गए हो, आपको बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखी, आप उससे फेवर मांगते हो कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, फेवर मांगना ही हुआ ना, तो किस तरह से पूछोगे, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, राइट। तो इसी तरीके से जब आप ऑफर करते हैं या फेवर मांगते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। गुड की तरह वुड भी एक पोलाइट एक्सप्रेशन है, इसीलिए ऑफर करने के लिए आपको किसी को कुछ ऑफर करोगे तो एक पोलाइटनेस तो दिखाओगे ना अपने कि भाई हम बहुत अच्छे हैं। किसी से कुछ फेवर मांगोगे, किसी से कुछ मांगना है तब भी अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा, तो उस वक्त हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वुड का, क्योंकि गुड की तरह वुड भी एक पोलाइट एक्सप्रेशन है जो ऑफर और फेवर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ ऑफ वुड, जब भी मैं अपनी कोई विश एक्सप्रेस करती हूँ, विश एक्सप्रेस करने से मेरे कहने का मतलब है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ, काश मैं क्वीन बन जाऊँ, तो मैं कैसे लिखूँगी, आई विश आई वुड बिकम अ क्वीन, कुछ ऐसा ही बोलूँगी। जब मैं अपनी विश एक्सप्रेस कर रही हूँ तो उस वक्त भी मैं विल, शल ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगी, उस वक्त भी मैं किसका यूज़ करूँगी, वुड का। क्लियर, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप बोलोगे काश मैं राजा बन जाऊँ, काश मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, काश मैं PM बन जाऊँ, तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आई विश आई वुड बिकम अ क्वीन, आई वुड बिकम अ किंग, इस तरीके से इन वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू वुड, जब भी हम लोग वुड के साथ हैव लगा देते हैं, यानी वुड के आगे हैव लगा देते हैं, तो वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो एक्सप्रेस करता है आपके रिग्रेट्स, जिन चीज़ों का आपको पछतावा है, यानी जो चीज़ें आपको करनी थी पर वो की नहीं, जो चीज़ें होनी थी पर हुई नहीं, वो एक्सप्रेस करता है वुड हैव। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूँ, शी वुड हैव पास्ड हर एग्ज़ाम, ठीक है, शी वुड हैव पास्ड हर एग्ज़ाम। अब आपको दिख रहा है वुड के साथ हैव लगा है, तो दैट मीन्स ये जो शी है इसने अपना एग्ज़ाम पास नहीं किया है। एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, रिग्रेट, कि शी वुड हैव पास्ड हर एग्ज़ाम, कि उसने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया होता लेकिन किया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जब सिर्फ वुड के साथ ही नहीं, अगर आप कुड के साथ हैव लगा देते हो, शुड के साथ हैव लगा देते हो, तो वो भी कुछ ऐसे पास्ट एक्शंस की बात करता है जो आपने कंप्लीट नहीं किए हैं। जैसे कि मैंने बताया गुड एबिलिटी बताता है, तो ऐसी कोई पास्ट एबिलिटी या कोई ऐसा पास्ट एक्शन जो आप कर सकते थे पर किया नहीं, ठीक है, शुड जो करना चाहिए था पर किया नहीं, वुड जो होना था पर हुआ नहीं, कुछ इस तरह से ये वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट मोडल वर्ब्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एट लास्ट अगर किसी को नहीं पता है मोडल वर्ब्स के बारे में तो मैं बता दूँ, ये तो हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस में मोडल वर्ब्स कहाँ लिखे जाते हैं, लाइक एक सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे यूज़ होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब जो एक्शन शो करता है यानी कि मेन वर्ब, राइट, यही बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट के बाद होता है यूज़ मेन वर्ब और उसके बाद यूज़ होता है ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में मुझे किसी मोडल वर्ब को प्लेस करना होगा तो मैं क्या कहाँ प्लेस करूँगी, देखिए गाइस हमें पता है ऑक्सिलरी वर्ब्स किसको एक्सप्रेस करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की, तो इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, मेन वर्ब से पहले, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मोडल, मेन वर्ब,
ऑब्जेक्ट. ही कैन रन फास्ट. अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये है आपका मेन वर्ब और ये है मोडाल. मोडाल का प्लेस कहाँ पर है एक सेंटेंस में? मेन वर्ब से पहले. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मोडाल वर्ब के बाद हमेशा, डायरेक्टली बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है. मोडाल वर्ब के बाद कभी भी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको दिखे तो एरर वहीं पर है. क्यों? क्योंकि मोडाल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है. लेकिन एक और पॉइंट यहीं से मुझे याद आया, अगर आपके पास है कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ऐसा तो हमें पता है हैव के बाद हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो जब इनके बाद हैव लगा है तो उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. अदरवाइज कुड, कैन, कैन, शुड, मे, माइट, इन सब के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं. ठीक है गाइज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोडाल वर्ब्स. नेक्स्ट हम लोग करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट.